हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। बेसिकली आज संडे का दिन है। काफ़ी ट्रेडर्स के मन में ये होगा कि क्या मंडे को भी मार्केट कंटिन्यूसली एक गिरावट के साथ ओपन होगा, क्या सपोर्ट लेवल क्या रेजिस्टेंस लेवल नया बनेगा, उसके हिसाब से हम निफ्टी का जो मूवमेंट रहा है उसके अकॉर्डिंग हम जो ऑप्शन चेंज है दोस्तों उसके ज़रिए समझेंगे, ना कि मैंने कोई मनगणत कुछ भी कहानी बनाई है कि मार्केट और गिर सकता है या रिकवरी कर सकता है। जो ऑप्शन चेंज पे दिखाएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर मार्केट में कंटिन्यूसली क्या हो सकता है। ठीक है, तो आइए, जो लास्ट फ्राइडे को निफ्टी का परफॉर्मेंस रहा था सबसे पहले उसके ऊपर आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो निफ्टी का लेवल आ चुका है 11200 का लेवल आ चुका है। जब 11800 चल रहा था, जब मैंने दो सपोर्ट जोन बताए थे यहाँ पर 11800 का, देन यहाँ पर 11500 का, तो दोनों सपोर्ट जोन यहाँ पर ब्रेक हो चुके हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूसली देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा गिरावट रही थी लास्ट फ्राइडे को। कंपेरिजन करते हैं 5 दिन के चार्ट पे, तो 5 दिन के चार्ट पे भी आप लोगों को यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 6% से ज़्यादा की गिरावट है। ठीक है, वहीं 1 महीने के चार्ट देखते हैं तो 1 महीने में आप लोगों को 3.5% से ज़्यादा की गिरावट दिखेगी। कंटिन्यूसली जो भी ट्रेडर्स है वो तो मार्केट को बेसिकली वॉच करता ही है, और अगर मैं बात करूँ मार्केट को अगर लॉन्ग टर्म की प्रीफेयर देखते हैं तो 6 महीने से ज़्यादा तो कोई भी जो ट्रेडर्स रहता है वो पोर्टफोलियो मैनेज करता ही है। तो आप ये देखिए ना, 6 महीने का चार्ट देखिए दोस्तों, 6 महीने में रिकवरी कर रहा है मार्केट, 6 महीने में आप लोगों को दिख रहा है कि प्रॉफिट करीबन 3.5% से ऊपर है, और क्या होना आप लोगों को, यहाँ पर मोमेंटम दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी मार्केट में कंपैरिजन की बात करता हूँ तो कंपैरिजन में बीएससी है, बीएससी 1400 पॉइंट से ज़्यादा, लास्ट फ्राइडे को न्यूज़ आया कि यहाँ पर करीबन 5.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर लॉस हुआ है मार्केट में, जो रिटेल ट्रेडर्स रिटेल इन्वेस्टर उनको, तो इसके बेस पे क्या हो सकता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है जो न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो द इकोनॉमिक की न्यूज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो गौतम साहा जी है वो बोल रहे हैं कि निफ्टी गो बैक करेगी, यहाँ पर एक बार डबल से बाउंस बैक लेगी और 12000 का जो एक रेजिस्टेंट लेवल दिख रहा है उसे ब्रेक करेगी लॉन्ग टर्म के लिए, इन्होंने भी लिखा है लॉन्ग टर्म। तो आप ये लॉन्ग टर्म का जो शब्द है ना उसे लेके अगर मार्केट में चलते हो तो उसका ही वेट करिए, ना कि ये सोचिए कि मार्केट और नीचे आएगा हम क्या करें, हमारा पोर्टफोलियो रेड हो चुका है, 10% 20% से ज़्यादा की यहाँ पर हमें गिरावट देखने मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मनी कंट्रोल की जो न्यूज़ है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंट लेवल के साथ एक सपोर्ट जोन भी दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो उमेश मेहता जी है वो बोल रहे हैं कि 10,800 से लेकर 10,050 का एक सपोर्ट जोन यहाँ पर दिख रहा है, तो क्या निफ्टी मंडे को भी गिर सकता है। तो ये सब न्यूज़ के फैक्ट के अकॉर्डिंग मार्केट पे अपन मोमेंटम जानते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, आप लोगों को बेसिकली मैंने बताया ही कि मार्केट में क्या कंपेरिजन है, आप ये चार्ट के अकॉर्डिंग या 5 साल के चार्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो मार्केट अपसाइड ही है, और आने वाले दिनों में भी अगर 5 साल भी वेट करते हो, अगर 13,000 भी आ जाता है तो आप लोगों का पोर्टफोलियो एक शानदार पॉजिटिव रिटर्न दे सकता है। ठीक है, अब जो मेन चीज़ है उस पर लेके चलता हूँ, निफ्टी के ऑप्शन चेंज पे क्या रह सकता है मंडे के लिए, ये मैंने कोई मन से नहीं बनाया, ये सब आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑप्शन चेंज पे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो 5 मार्च की यहाँ पर एक्सपायरी दिख रही है। ठीक है, 5 मार्च की एक्सपायरी के रिकॉर्डिंग मैंने लेके आया हूँ कि क्या मोमेंटम दे सकता है। निफ्टी का मोमेंटम दिख रहा है 11200 का, ये एटी मनी है दोस्तों। ठीक है, ये एटी मनी पुट राइडिंग है। ठीक है, अगर मैं इधर की बात करता हूँ आप लोगों को तो ये एटी मनी के साथ यहाँ पर आप लोगों को कॉल राइडिंग दिखेगा, किस प्रकार से मोमेंटम हो रहा है मार्केट में इस स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग पूरा दिखाऊंगा, और ये सपोर्ट जोन क्या है लेवल ये आप लोगों को लेके चलता हूँ। सबसे पहले जो मेन चीज़ दिख रही है दोस्तों वो दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों को, अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले अपन ऊपर चलेंगे, इस प्रकार से चलेंगे, फिर मैं आप लोगों को इस प्रकार से दिखाऊंगा मार्केट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर मोमेंटम लेते हैं 11200 का। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा चेंज इन ओपन इंटरेस्टेड। ठीक है, वॉल्यूम भी मैं बात करूंगा क्या मोमेंटम रह सकता है। तो 11200 का जो यहाँ पर लेवल पे बंद हुआ मार्केट तो क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 11200 पे, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को लेके चलता हूँ, ठीक है, 11200 के मोमेंटम पे, तो यहाँ पर आप वॉल्यूम चेक कर सकते हो, करीबन 2,53,000 का वॉल्यूम दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं ओपन इंटरेस्टेड चेंज की बात करता हूँ तो 3 लाख का यहाँ पर जोन दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर ओपन इंटरेस्टेड परसेंटेज की बात करता हूँ तो जो वैल्यूएशन कंडीशन है वो 7 लाख से ऊपर की दिख रही है। तो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि 11200 का सपोर्ट जोन एक तगड़ा सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक दे सकता है, और आने वाले दिनों में जो 12000 का लेवल बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए वो आप पर प्रिफेयर हो सकता है।
वहीं पर उसके नीचे मैं आप लोगों को 11300 का सपोर्ट दिखाता हूँ। 11300 का सपोर्ट यहाँ चेक कर सकते हो, ये आप लोगों को 11300 का सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर 48000 क्वांटिटी का वॉल्यूम दिख रहा है। 48000 क्वांटिटी का वॉल्यूम अगर मैं बात करूँ तो जो मोमेंटम दिख रहा है, ठीक है, उसके बेस पर यहाँ पर आप देख सकते हो कितना शानदार मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, वो ओपन इंटरेस्टेड की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो करीबन 3,06,000 और 7,75,000 के समथिंग का वॉल्यूम यहाँ पर क्रिएट हो रहा है मार्केट में। तो ये जो दो सपोर्ट जोन दिख रहा है उसके बेस पे यहाँ पर बाउंस बैक का एक न्यूज़ आ रहा है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ 11200 के ऊपर की, मैं मतलब 1100 की मतलब 11000 के लेवल की, तो इस पर मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि निफ्टी ज़्यादातर बाउंस बैक नहीं लेते हुए मार्केट में कंटिन्यूसली गिरेगा। मतलब ये वाला लेवल ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि निफ्टी गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जो 11000 का सपोर्ट जोन एक और दिख रहा है उस पर अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोग चेक कर सकते हो वॉल्यूम की, 3,00,000 से ज़्यादा का वॉल्यूम है। चेंज इन ओपन इंटरेस्टेड परसेंटेज में बात करता हूँ तो 4,50,000 से ऊपर का है ओपन इंटरेस्टेड। 14,00,000 क्वान्टिटी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, 14,00,000। अगर मैं वहीं 10,900 का सपोर्ट जोन बताता हूँ उसमें 4,00,000 के यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, 11,800 की मैं बात करता हूँ तो 6,26,000 का दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्टेड बात करता हूँ तो यहाँ पर 11,500 का आप देख सकते हो वॉल्यूम यहाँ पर करीबन 78,000 क्वान्टिटी का। उसके अगर मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो चेंज इन ओपन इंटरेस्टेड, ये दोनों पोजीशन पे सबसे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर करीबन 1,85,000 ओपन इंटरेस्टेड 9,38,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर जो 10,500 का एक सपोर्ट जोन दिख रहा है वो हमें लगभग ब्रेक होते दिख सकता है, सबसे ज़्यादा अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, मैं नीचे की बात कर रहा हूँ, नीचे मार्केट गिर सकता है इस कॉल राइडिंग पुट राइडिंग के अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो थोड़ा बहुत भी अगर आप लोगों को ये अकॉर्डिंग टू मतलब अपना जो निफ्टी का ऑप्शन चेंज है वो अगर समझ में आ रहा हो तो बेसिकली समझे, खुद से भी जाके देखे, क्योंकि क्वान्टिटी आप लोगों को अलग ही दिखेगी। जो सपोर्ट जोन पर दिख रहा है 11,500 का सपोर्ट जोन, 11,600 का सपोर्ट जोन, 10,500 का सपोर्ट जोन, 10,600 का, 10,700 का, 10,800 का और 10,900 का, तीनों पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मोमेंटम आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा यहाँ पर देख सकता हूँ, ये 10,500 का है, ये आप लोगों को 10,600 का दिखेगा, ये 10,700 का दिखेगा, ये 10,800 का दिखेगा, ये 10,900 का दिखेगा और सबसे बड़ी बात 11,000 का। तो ये जो 6 ही सपोर्ट लेवल है दोस्तों, 6 के 6 एक डाउन साइड का यहाँ पर संकेत दे रहे हैं कि कंटिन्यूसली गिरावट यहाँ पर बरकरार रह सकती है मार्केट में। ठीक है, अब मैं आप लोगों को पुट राइडिंग के अकॉर्डिंग तो समझाया, आप कॉल राइडिंग पे समझा सकता हूँ क्या हो सकता है मूवमेंट। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर पुट राइडिंग के बाद कॉल राइडिंग पे लेके आया हूँ। यो कॉल राइडिंग का यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट जोन एक देखा जा रहा है दोस्तों, ठीक है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो जो रेजिस्टेंट लेवल के मूवमेंट पे बिहाब पे ट्रेड कर रहा है सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की, मतलब यहाँ पर कॉल राइडिंग में भी आप लोगों को 11,000 का सपोर्ट जोन दिख रहा है। मतलब इधर भी मार्केट का संकेत मिल रहा है गिरते हुए, इधर भी मिल रहा है मार्केट का गिरते हुए। ठीक है, अब बाकी 11,000 जो 200 का है वो यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए पुट राइडिंग में तो आ ही गया है 11,200 का, उस पर भी कितना यहाँ पर मोमेंटम दिख रहा है, आप लोग इसके अनुमान लगा सकते हो ये 11,200 का। ठीक है, ये कॉल राइडिंग में भी अनुमान दे रहा है कि पुट राइडिंग वॉल्यूम 55,000 का, ओपन इंटरेस्टेड परसेंटेज में अगर मैं बात करूँ 5,05,000 के समथिंग का है। ठीक है, ओपन इंटरेस्टेड अगर मैं बात करूँ 5,32,000 का है। वहीं पर उसी के सपोर्ट जोन के बाद अगर मैं 11,200 के बाद आप लोगों को 11,300 का बताता हूँ, ये 11,300 का जस्ट उसके एक पॉइंट नीचे देखना यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम 2,00,000 क्वांटिटी का वॉल्यूम यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा। ये चेंज इन ओपन इंटरेस्टेड परसेंट में 8,70,000 का, यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम की अकॉर्डिंग मार्केट में देख सकते हो ये वॉल्यूम, तो इससे यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हो कि यहाँ पर 8,00,000 से ज़्यादा की मतलब अप्रॉक्सीमेट 9,00,000 की समथिंग की क्वांटिटी आप लोगों को ट्रेड होते दिख रही है कॉल राइडिंग में। वहीं पर आप उसके नीचे एक पॉइंट नीचे देख सकते हो यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल दिखा है 11,400 का सबसे तगड़ा यहाँ पर रेजिस्टेंट लेवल दिख रहा है। ठीक है, अगर बाउंस बैक लेती है यहाँ पर, बहुत सारे ट्रेडर्स आप लोगों को पता है कि मार्केट गिरता है तो मार्केट ख़त्म होते होते काफ़ी हेवी क्वान्टिटी में लॉट लेके कॉल राइडिंग को यहाँ पर उन्होंने प्रिफेयर किया है। तो ये मतलब ये इसको खरीदने के लिए दोस्तों मार्केट में जिगरा होना चाहिए। ठीक है,
जो भी ट्रेडर्स रहते हैं वो बहुत अनुमान लगाने के बाद खरीदते हैं। अगर मान लीजिए कंटिन्यूसली 2 दिन और मार्केट गिरता है, तीसरे दिन मार्केट में, चौथे दिन मार्केट में एक्सपायरी आ जाएगी और ये पूरा इन्वेस्टमेंट एवरेज मिलाते मिलाते जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सबसे ज़्यादा मोमेंटम दिख रहा है आप लोगों को मैं बता देता हूँ, 11400 का और 11500 का सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, ये 11400 का है और ये आप लोगों को इसके बीच में 11500 का दिखेगा। ये दोनों यहाँ पर आप देख सकते हो कितना सेम क्वांटिटी पे मूवमेंट कर रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बाउंस बैक का यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं जहाँ तक बोल रहा हूँ ये बाउंस बैक नहीं हो सकता है। अगर मैं बात करता हूँ तो एक एक पॉइंट व्यू पे यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये 11500 का है, ये 11600 का है, अगर मैं वहीं पर बात करता हूँ 11700 का, ठीक है। बाकी आप अगर आप यहाँ पर देख सकते हो ना दोस्तों, तो जो 11500 यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा, ये 11600 दिखेगा, ये अगर मैं बात करता हूँ 11700, 11800, 11900, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 12000 तक का सपोर्ट जोन दिख रहा है और यहाँ पर 12100 का भी सपोर्ट जोन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर इसके अकॉर्डिंग में बात करता हूँ तो मार्केट में जो भी ट्रेडर्स है इन्होंने काफ़ी दिल पर पत्थर रख के ये चीज़ को अपनाया है, मतलब एक ट्रेड के अकॉर्डिंग, मतलब इनसाइडेड ट्रेड खेला है स्टॉक मार्केट में इन्होंने, मूवमेंट लिया है। मतलब अगर मैं बात करता हूँ ना तो मतलब रिस्की ट्रेड लिया है, ज़्यादातर प्रिफेयर हो रहा है कि मार्केट 11200 का सपोर्ट जोन भी एक ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये सबसे तगड़ा सपोर्ट जोन है और इस सपोर्ट जोन पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम मार्केट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने जो भी अनुमान लगाया अगर उसके अकॉर्डिंग में थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दूँ तो आप लोगों को मार्केट में 11200 का जो सपोर्ट जोन दिख रहा है दोस्तों, वो मंडे को थोड़ा सा ब्रेक होते दिख सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब यहाँ पर 1100 के लेवल तक मार्केट आ सकता है, अगर वहाँ से बाउंस बैक लेता है 1100 के जो लेवल है सपोर्ट लेवल, वहाँ से अगर बाउंस बैक लेता है तो अपने को अनुमान लग गया है दोस्तों कि जो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 11000 का जो सपोर्ट जोन है वो, और यहाँ पर 11200 का जो सपोर्ट जोन है, ये दोनों सपोर्ट जोन पर मार्केट ट्रेड करेगा। अगर यहाँ से इसने बाउंस बैक लिया तो ये जो पुट राइडिंग और जो कॉल राइडिंग ये हुआ है, ये जो पुट राइडिंग नीचे के लिए हुआ है, जो कॉल राइडिंग ऊपर के लिए हुआ है, तो ये ट्रेडर्स जिन्होंने मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया, इन लोगों को काफ़ी अच्छा मुनाफा मार्केट में हो सकता है। अपन ने अनुमान लगाया, जो भी अनुमान लगाया वो मार्केट में देख सकते हैं। ठीक है, बस जो कॉल राइडिंग पुट राइडिंग आप लोगों को अगर अच्छे से समझ में आया हो या खुद से भी थोड़ा सा समझना चाहते हो तो और इसे रिसर्च करें, देन देखें, और इस पुट राइडिंग के अकॉर्डिंग और कॉल राइडिंग के अकॉर्डिंग काफ़ी मार्केट में आप नॉलेज ले सकते हो। पूरा चार्ट आप लोगों को NSE के उस पर मिल जाएगा दोस्तों, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद से भी रिसर्च करें, देन इसमें फिर ही ट्रेड करने का कोशिश करें। अगर मंडे को रिस्की लगता है तो आप डेफिनेटली मंडे को वेट करके चल सकते हो, घबराइए मत कि हमारा पोर्टफोलियो 10% 50% से ज़्यादा गिर चुका है, कोई नहीं, वो पूरा रिकवर करेगा और जो लॉसेस हुए वो एक सही तरीके से होगा, अगर आपने सही ढंग से एक सही कंपनी अगर पिक करी होगी तो। ठीक है, अगर आप लोगों को ये कॉल राइडिंग पुट राइडिंग अगर समझ में आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल बनाए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि डेली बेसिस पे इंट्राडे मार्केट एंड टिप्स एंड रिकमेंडेशन आप लोगों तक लाता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।